हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलजेस रेसिपी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाने वाले हैं दलिया, जो कि बहुत ही इजी है और टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो यहाँ पे हमने ये दलिया ले लिया, आप देख सकते हैं, इसे वॉश कर लिया मैंने अच्छे से और प्लेट में फैला दिया है। और ये मूंग की दाल ली है थोड़ी सी, ये बिना छिलके वाली है, आप चाहे तो छिलके वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ पर हमें घी का यूज़ करना है, तो अब बनाना शुरू करते हैं। चलिए, तो अब हम गैस को कर लेते हैं ऑन और इस पे कुकर रख देंगे। अब इसे थोड़ा सा गर्म होने देना है। तो कुकर गर्म हो चुका है, अब इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसमें घी ऐड करना है हमें। ये इतना घी मैंने लिया है, ये इस चम्मच को। अगर आप ये वाला चम्मच यूज करते हैं तो 2-3 टेबलस्पून लेना है आपको। मैंने ये लिया है इसलिए एक ही यूज कर रही हूं मैं, ये आप देख सकते हैं। अब हमें दलिया को भूनना है अच्छे से, तो इसमें दलिया ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है आपको। अगर घी आपको कम लगे तो आप और भी घी ऐड कर सकते हैं, वैसे बिना घी वाला भी बना सकते हैं इसे, बिना घी के सेकना है, लेकिन घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें, इसलिए मैंने घी ऐड किया है इसको सेकने के लिए। ये अभी थोड़ा चिपक रहा है क्योंकि हमने इसे वॉश किया था, थोड़ी देर बाद नहीं चिपकेगा। मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है आपको। इसको चलाते रहना है आपको, और ये भून रहे तब तक हम इधर पानी रख देंगे गरम करने के लिए। ये वाला गिलास जो है मैंने 2.5 गिलास लिया है इसमें पानी, कम ज्यादा बाद में देख सकते हैं। तो मैं गैस को ऑन कर लूंगी और इसे ढक देंगे ताकि जल्दी हो जाए ये गरम। अब दलिया को चला लेंगे। अब ये नहीं चिपक रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसे 2 से 2.5 मिनट हुए भूनते भूनते, ये आप देख सकते हैं। इसे बीच बीच में चलाते रहना है आपको, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से। कंटिन्यूस चलाओ तो और भी अच्छी बात है, ये आप देख सकते हैं। और भी भूनना है हमें इसे, ये आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे और अब ये दलिया आप देख सकते हैं अच्छे से भून लिया है हमने इसे, खुशबू भी अच्छी आ रही है इसमें। अब मूंग दाल ऐड कर लेंगे जो हमने वॉश करके रखी थी। 1 मिनट के लिए इसको इसके साथ भून लेंगे अच्छे से, फिर हमने जो बॉईल किया वो पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी हमेशा थोड़ा ज़्यादा गर्म करना, पानी हमेशा थोड़ा ज़्यादा गर्म करना चाहिए आपको, क्योंकि बाद में कम नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा हो गया तो हम पूरा नहीं डालेंगे और क्या इसमें। ये इस तरीके से चलाते रहना है आपको, आप छोड़ देंगे तो ये नीचे से जल जाएगा, इसलिए कभी भी इसे चलाते रहेंगे तो अच्छे से सारे दाने इसमें अच्छे से भून जाएंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे और फिर ऐड करेंगे पानी को। तो इतना पानी अभी बच रहा है, इसे रहने देंगे, बाद में जरूरत पड़ी तो ऐड कर लेंगे, इसे ढक के रख लेंगे। अब हमें इसमें नमक ऐड करना है। आप अगर नमकीन दलिया बना रहे हैं तो इसमें मिर्ची वगैरह हल्दी थोड़ा सा ऐड करना है, मैं यहाँ पे सिर्फ नमक डाल के बना रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और ढक्कन बंद कर लेंगे।
अब इसमें 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो इसमें 5 सीटी लग चुकी है, तो अब हम चेक कर लेते हैं इसमें प्रेशर। ये इस तरह से चेक कर लेना कभी भी। खत्म हो गया, अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा दलिया अच्छे से पक गया है और इसमें पानी भी नहीं है। अगर आपको नमकीन दलिया बनाना है तो ये बाद में आप इसमें फ्राई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसमें पानी भी नहीं है। अगर आपको पानी वाला चाहिए तो थोड़ा और पानी इसमें ऐड कर देना है और गर्म कर लेना है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, दूध मिला के इसमें गर्म और उसमें गुड़ या फिर शक्कर, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ करके मीठा दलिया भी खा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये जो मैंने गर्म किया हुआ था वो पानी इसमें ऐड कर रही हूँ मैं पूरा। और अब गैस को ऑन कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और फिर पानी में बॉईल आने देंगे। ये आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है, तो ये कंसिस्टेंसी रहने देंगे हम। और अब इसमें गुड़ या फिर शक्कर मिला के खा सकते हैं, या फिर आप दूध और शक्कर या फिर गुड़ मिला के भी इसे खा सकते हैं। अब गैस को ऑफ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा गरम गरम दलिया तैयार है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी रेसिपी अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।